नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईस्ट बंगाल एफसी से जुड़े लेटेस्ट ट्रांसफर न्यूज़ के बारे में। तो दोस्तों, डिटेल्स में बात करूंगा इन सारी अपडेट्स को लेकर, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दो, क्योंकि ऐसे ही इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड डेली अपडेट्स आप सभी को मेरे इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं अनिकेत यादव के बारे में। तो दोस्तों, कल मैंने आप सभी को कम्युनिटी पोस्ट पर यह अपडेट दे दिया था कि अनिकेत यादव ईस्ट बंगाल एफसी में साइन कर चुके हैं, डील डन हो चुका है ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट का अनिकेत यादव के साथ। तो दोस्तों, अनिकेत यादव का हैदराबाद एफसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन खबर आ रहा है कि ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट ने हैदराबाद एफसी को ट्रांसफर फी दिया है और उसके बाद ही डील डन हुआ है अनिकेत यादव का ईस्ट बंगाल एफसी के साथ। तो दोस्तों, अनिकेत यादव अभी फिलहाल 22 वर्ष के ही हैं और इंडिया अंडर 23 टीम को भी इन्होंने रिप्रेजेंट किया है और राइट विंग में खेलना पसंद करते हैं। तो आने वाले सीजन से हम सभी को अनिकेत यादव ईस्ट बंगाल एफसी के जर्सी में खेलते हुए दिखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, दूसरा अपडेट आ रहा है नवरम महेश सिंह के बारे में। तो ऐसा खबर आ रहा है कि नवरम महेश सिंह हम सभी को फिर से ईस्ट बंगाल एफसी के कलर में खेलते हुए दिखेंगे आने वाले सीजन से। तो दोस्तों, नवरम महेश सिंह लास्ट सीजन भी ईस्ट बंगाल एफसी के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन लोन डील पर साइन किया था नवरम महेश सिंह ने केरला ब्लास्टर एफसी से ईस्ट बंगाल एफसी को। तो ऐसा खबर आ रहा है कि परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाना चाहती है ईस्ट बंगाल एफसी नवरम महेश सिंह को। तो ऐसा खबर है कि नवरम महेश सिंह के साथ और केरला ब्लास्टर एफसी मैनेजमेंट के साथ ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट बातचीत चला रही है। तो अगर सब कुछ ठीक ठाक होता है तो काफ़ी ज़्यादा चांस है कि नवरम महेश सिंह हम सभी को फिर से खेलते हुए दिख सकते हैं ईस्ट बंगाल एफसी के जर्सी में। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरे अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, तीसरा अपडेट आ रहा है बीपी सुहेर को लेकर। तो ऐसा खबर आ रहा है ईस्ट बंगाल एफसी के तरफ से कि ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट सक्सेसफुल रही है बीपी सुहेर को अपने टीम में साइन करवाने में। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों से बीपी सुहेर के साथ ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट बातचीत कर रही थी, लेकिन फाइनली अपडेट आ रहा है कि 3 सालों का कॉन्ट्रैक्ट बीपी सुहेर ने साइन किया है ईस्ट बंगाल एफसी के साथ। तो दोस्तों, लास्ट सीजन बीपी सुहेर ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए। तो 30 वर्ष के सेंटर फॉरवर्ड बीपी सुहेर ने साइन कर दिया है 3 सालों का कॉन्ट्रैक्ट पर ईस्ट बंगाल एफसी को। तो आने वाले सीजन से बीपी सुहेर हम सभी को ईस्ट बंगाल एफसी के कलर में खेलते हुए दिखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चौथे अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, फिलहाल अपडेट आ रहा है ईस्ट बंगाल एफसी के तरफ से कि ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट चाहती है एक फॉरेनर सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर को अपनी टीम में साइन करवाना। तो दोस्तों, खबर आ रहा है कि जॉ विक्टर को ईस्ट बंगाल एफसी ने टारगेट किया है और ऐसा खबर आ रहा है कि जॉ विक्टर को ऑफर दिया है ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट ने, जैसे कि अभी फिलहाल का अपडेट है। तो दोस्तों, लास्ट सीजन हैदराबाद एफसी के लिए काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन किया था जॉ विक्टर ने और हैदराबाद एफसी को ट्रॉफी जितवाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया था जॉ विक्टर ने। तो दोस्तों, जॉ विक्टर एक 33 वर्षीय सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर है, एक गेम मेकर है। तो ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट की तरफ से अभी फिलहाल खबर आ रहा है कि जॉ विक्टर को ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट अपने टीम में साइन करवाना चाहती है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल ये वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दो। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।